छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सड़क हादसों को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस पहल के तहत उन्होंने एसपी अगम जैन के साथ मिलकर वाहन चालकों को ओवरलोडिंग, नशा करके वाहन चलाने और आवश्यक दस्तावेज न रखने के खिलाफ चेतावनी दी। पंडित शास्त्री ने सड़क पर उतरकर खुद चालकों को समझाया। बागेश्वर धाम में शुरू हुआ यह जागरूकता अभियान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि सभी वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए आवश्यक हिदायत दी, जिसमें एक मुस्लिम चालक को लाइसेंस बनवाने की सलाह भी दी। यह अभियान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। एसपी अगम जैन के साथ मिलकर यह प्रयास सुनिश्चित करेगा कि सड़क पर अनुशासन बना रहे और सभी चालक नियमों का पालन करें। यह पहल निश्चित रूप से सड़क हादसों को कम करने में मदद करेगी। ग्राम पंचायत ने और हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि वाहन ड्राइवर्स मदिरापान करके नहीं चलाएंगे। आज विनती की, कल गिनती करेंगे, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक भाई साहब पकड़े गए, हमने पूछा कहाँ से हो, चंद्रनगर से। क्या नाम है? रफीक नाम है। लाइसेंस है? अब मीडिया भी वहां से नहीं है और 4 महीने से वो ई रिक्शा चला रहे हैं। ये कानून का उल्लंघन है। बागेश्वर धाम पे ये चलना नहीं जाए। हमने साहब को भी कहा है कि इनका चालान कटना चाहिए और भाई साहब को बंद होना चाहिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि एक राष्ट्रीय स्तर के धाम के रूप में ये डेवलप हो चुका है, हो रहा है, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु लोगों के लिए कोई भी यातायात के तरीके से कोई अव्यवस्था ना रहे। कुछ घटनाएं पूर्व में हुई जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस कदम के द्वारा जो भी ड्राइवर्स यहां पर अपने वाहन का उपयोग कर रहे हैं प्राइवेट अथवा यहां पर चला रहे हैं पब्लिक कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट के रूप में, वो अच्छे से डेवलप होगा और कोई भी नियमों का इसमें उल्लंघन नहीं होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।